यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय प्राइवेट फर्म SSS डिफेंस को लेके। तो कुछ दिन पहले ही SSS डिफेंस ने जो भी AK-47 है उनको अपग्रेड और मॉडिफाई करने के लिए जो एक किट है वो लॉन्च की थी। किट को लेकर जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया गया था आर्मी के द्वारा। किट का यहाँ पे जो नाम है वो सॉप मॉड है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन पिक्यूलर मॉडिफिकेशन। तो जो भी AK-47 आर्मी के साथ है उनको मॉडिफाई अपग्रेड करने के लिए जो प्रपोजल है वो रखा गया था SSS डिफेंस के द्वारा। इसके ट्रायल अभी हाल ही में आर्मी ने कंडक्ट किए थे और यहाँ पे उम्मीद ये थी कि जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाएंगे। तो एक इंटरिम ऑर्डर के रूप में जो इनिशियल नंबर है ऑर्डर का वो दिया गया था ईस्टर्न कमांड के द्वारा लास्ट मंथ ही, तकरीबन 300 का वो नंबर था। यहाँ पे नए ऑर्डर के रूप में जो एडिशनल यूनिट है वो जुड़ने जा रही हैं, जिसमें लगभग 675 के नंबर में ये जो मॉडिफिकेशन है वो आर्मी की नदन कमांड ऑर्डर कर रही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ राइफल होंगे जिन पे ये मॉडिफिकेशन जाएगा वो 1000 के अराउंड पहुंचता है। AK-47 को लेके हम सभी अवेयर हैं कि एक हाईली रिलायबल वेपन है आर्मी के लिए। इस वेपन का जो एप्लीकेशन है न सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में वाइडली किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मॉडिफिकेशन डिजाइन और डेवलप किया गया है भारत में, ये इस पर्पज से भी किया गया होगा कि जो एक वाइड स्प्रेड मार्केट है उसको कैप्चर किया जाए। और लगभग एक दशक से ये जो वेपन है वो इंडियन आर्मी में भी ऑपरेशनल है। अगर ये जो अपग्रेड है वो आप ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आर्मी पर्सनल को लेके जो ट्रेनिंग कॉस्ट है और जो मेंटेन करने को लेके कॉस्ट है वो मिनिमल रहेगी। अपग्रेड पैकेज की बात करते हो तो यहाँ पे जो बर्थ स्टॉक है वो फोल्डिंग है, जो कि पहले के वर्जन में नहीं थी। अब जो बर्थ स्टॉक है वो आप फोल्ड कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो वेपन का फुटप्रिंट है वो कम रहेगा। जो फ्लैश सप्रेशर है वो सामने दिया गया है, जो कि आपके वेपन को स्टेल्थिया बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अपग्रेड है वो वेपन को और भी यूजर फ्रेंडली बनाएगा। बर्थ स्टॉक पे जो चीक रेस्ट है वो दिया गया है और जो एडिशनल पैडिंग है वो दी गई है। तो जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसे आप वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हो। रेल यहाँ पे दो दिए गए हैं। फ्रंटल रेल दिया गया है जो कि क्वाड पिकाटिनी रेल है, जिसपे आप ऑप्टिक्स को माउंट कर सकते हो और इनको बनाया गया है T6 एल्युमिनियम से। रियर रेल की बात करते हो तो यहाँ भी जो पिकाटिनी रेल है वो दिए गए हैं, जो कि वेपन के टॉप पे रहेंगे और ये भी T6 एल्युमिनियम से बनाए गए हैं। जो 4 इंच का पिकाटिनी रेल है वहाँ पे जो एडिशनल एसेसरीज है वो भी आप माउंट कर सकते हो, जैसे कि नाइट साइट हो गया, UBGL हो गया, टॉर्च हो गया और लेजर एमिंग डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे पैकेज में जो भी स्पेसिफिकेशन डाला गया है उसको मिनिमल टूलिंग से कस्टमाइज किया जा सकता है। सो होपफुली इस तरह के अपग्रेड पैकेज का जो एडिशनल ऑर्डर है और एक जो मास ऑर्डर है वो किया जाए, तभी जो एक एनकरेजमेंट है इंडियन प्राइवेट फर्म को मिलेगी। यही पे हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, जो कि MDL द्वारा बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट 75 को लेके है। हम सभी अवेयर हैं इसके अंतर्गत जो 6 सबमरीन है वो बनाई जानी थी। जो INS वागसीर है उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। वागीर के जो सी ट्रायल है वो कंडक्ट किए जा रहे थे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि INS वागीर को यानी कि S-25 को आज हैंडओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। तो जो फॉर्मल इंडक्शन है वो जल्दी आपको दिखेगा, क्योंकि जो हैंडओवर है वो आज हो चुका है। जहाँ तक कमीशनिंग की बात है INS वागसीर की, तो वो आपको 2023 के एंड तक दिखेगा या फिर 2024 में दिखेगा। वागीर और वागशीर में जो इंडिजिनस कंपोनेंट की मात्रा है वो हायर है इससे पहले मैन्युफैक्चर किए गए यूनिट से। तो यहाँ पर ज्यादातर जो मेजर ट्रायल हैं वो वागीर ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी में जो वेपन और सेंसर ट्रायल है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे इनको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है इनसे पिछले वाले यूनिट से, क्योंकि जो एक रेफरेंस पॉइंट था वो आपके पास आता गया है। तो कलवरी क्लास का ये जो 5वां सबमरीन है वो इंडियन नेवी को मिल चुका है। होपफुली जो P-75 आई है उस पर जो कॉल है वो जल्दी लिया जाता तो वो इंडियन नेवी के लिए बेनिफिशियल होता, लेकिन अभी यहाँ पे जो प्रायोरिटी है नेवी के लिए वो SSN होने चाहिए और SSK में MDL को ही जो फॉलो अप ऑर्डर है वो दे देना चाहिए था स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का AIP के साथ। तो इन सभी चीजों पर जो कॉल है वो नेवी को लेना है अगले 1 ईयर के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।